They can be seen only under electron microscope. They are acellular, मतलब उनमें सेलुलर मटीरियल नहीं है, ठीक है. दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, ओनली न्यूक्लियस. Which is wrapped in a protein coat. There are known living outside host cell. As they enter both cellate, they reproduce. रिप्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, ठीक है. रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग एनर्जी होस्ट सेल. फिर उस होस्ट सेल को क्या होगा, होस्ट सेल क्या हो जाएगी अगर एनर्जी होस्ट सेल की ले लेगी. लास्ट पॉइंट वॉज एज दे एंटर इन द होस्ट सेल दे रिप्रोड्यूस एंड वाइल रिप्रोडक्शन दे विल यूज एनर्जी ऑफ दैट सेल, ठीक है. व्हेन मोर सो मेनी वायरसेस मल्टीप्लाई, यू हैव स्टडीड एट, यू हैव डन दिस वायरस फर्स्ट. Actually, 8th D has already discussed in the previous lecture. Now they are writing the points. That's it. Okay. Okay. No living outside. बेटे देखो वायरस क्या है, देखो 8th B. हम आजकल कोविड से we are fighting with the COVID. तो कोरोना एक वायरस आपको पता है, ठीक है. अब बोर्ड क्लियर नहीं है, बट कैन आई डू इट. अब इट मस्ट बी क्लियर है. तो एक अभी तक उसकी हमारे पास वैक्सीन है, वी डोंट हैव एनी सच काइंड ऑफ ड्रग. एक्चुअली होता क्या बेटे, वायरसेस होते हैं जब तक ये होस्ट सेल से बाहर होते हैं. जैसे कोविड है, कोरोना ओमिक्रॉन आ गया है ना, तो जब तक हमारी बॉडी से बाहर है तब तक ये डिवाइड नहीं कर सकते, तब तक ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तब ये रिप्रोड्यूस करता है, तब इसकी इसके बारे में पता चलता है. अब जब ये बाहर रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, अगर मैं वो एक मान लो एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड एक प्रोटीन कोट है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, इतना ही है वायरस. और वो कैसे डिवाइड कर रहा है, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या, हमें कुछ नहीं पता. जब हम कोई एंटीबायोटिक्स या कोई भी एंटी फंगल ड्रग्स मार्केट में आती है, मेडिसिन आती है, क्योंकि जो बैक्टीरियाज हैं या फंगसेस हैं वो हमारी सेल, जो हमारी बॉडी है ना, उसके बाहर ग्रो करते हैं. उनके बारे में, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे वो रिप्रोड्यूस करता है, हमें पता चल जाता है. अब इनके बारे में हमें नहीं पता, तो हमारे लिए इनके लिए हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं होती. फिर हम क्या बनाते हैं, फिर हम वैक्सीन बनाना शुरू करते हैं. वैक्सीन क्या होते हैं, यही वायरसेस को पार्शली किल किया जाता है. जब पार्शली किल करके हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है, तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और उस वायरस के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी
आपको इस वे में समझाया जाए कि एक सोल्जर्स आए हैं जिनके पास सब कुछ है, तोफ है एंड ऑल गन्स एंड ऑल, ठीक है, वो हमें आराम से किल कर सकते हैं। अब हमने इन सोल्जर से सब सब तरह के वेपन्स छीन लिए और उनको 10 दिन खाना खाने के लिए कुछ नहीं दिया। अब वो थोड़े से ना कमजोर हो गए, दे आर सो मच वीक, ठीक है। अब जो ये वीक सोल्जर्स है ना, अगर हमारी हमारे पास आएंगे लड़ने के लिए, तो इनिशियली हमें उनका नहीं पता, मगर हम उनसे फाइट करके विन कर जाएंगे और उनके बारे में हमें पता चल जाएगा कि वो कैसे हैं, कैसे फाइट करते हैं, उनका वे आउट कैसे। अब क्या हो गया, हमने वैक्सीन सिंथेसाइज कर ली है। वैक्सीन क्या है, यही वायरस जो पार्शली किल्ड होता है। जब ये पार्शली किल्ड है तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट लड़ती है, जब ये कम्प्लीटली हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमें पता, हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेती है, इसको मैंने देखा हुआ है कहीं से, तो ये लड़ना शुरू कर देती है। तो वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं या किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर, जैसे कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जिसका आप डायग्राम भी अभी करोगे क्योंकि इट इज गिवन, तो वो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ग्रो करता है, वो बाहर नहीं ग्रो कर सकते। अब जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेव्स आ रही हैं, हम कह रहे हैं कि फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, थर्ड वेव आई, अब ये वायरस क्या कर रहा है, अपनी अपनी अपना म्यूट कर रहा है बारी बारी अपने आप को, ठीक है। म्यूट का मतलब अपने आप को स्ट्रक्चर चेंज कर ही जा रहा है। हम पहला स्ट्रक्चर तो अभी स्टडी करते हैं, उतनी देर में दूसरा स्ट्रक्चर आ जाता है, उतनी देर तो थर्ड स्ट्रक्चर आ जाता है। तो अब थर्ड वैक्सीन आएगी, कि फर्स्ट टू के खिलाफ तो वैक्सीन आ गई है, अब हमने थर्ड के खिलाफ निकालनी है, कि उसको स्टडी करेंगे अब उनको अच्छे से, उसको थोड़ा खिल करके हमारी बॉडी में आएगी अंदर, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ेगा। तो वो डॉक्टर भी बोलेगा कि आपको ना फीवर आएगा, तो यू विल टेक अ डोलो ओवर एयर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम लड़ता है, तो जैसे हम किसी के साथ जब फाइट करते हैं तो हमारे टेम्परेचर हाई हो जाता है, इट इज अ गुड सिम्टम, ठीक है, इट इज अ गुड सिम्टम। माधव जस्ट चेक इट आउट योर नेट बेटे, यू आर ओनली हैविंग अ प्रॉब्लम इन ब्लर और वॉइस, तो जस्ट चेक इट आउट, ओके, ठीक है। तो हम वायरसेस क्या हैं, जिनके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस है जिसके अराउंड एक प्रोटीन कोट है, अदरवाइज वो बॉडी की सेल के बाहर दे आर डेड, दे रिप्रोड्यूस ओनली वेन दे आर इन साइड द होस्ट सेल, ओके। एंड वेन बहुत सारे वायरसेस एंटर कर जाएंगे, वायरसेस मल्टीप्लाई कर जाएंगे, एंड द वायरस विल मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, अब बाहर वाले टेररिस्ट ने अटैक कर दिया तो होस्ट सेल विल डाई डेफिनेटली, ठीक है। हाउ कैन दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक बेटे, अक्कूल यू आर आस्किंग मी द क्वेश्चन, दे आर हैविंग क्लोरोफिल, है वायरस विल मल्टीप्लाई इन होस्ट सेल, हो मल्टीप्लाई देन होस्ट सेल विल डाई, ऑटोट्रॉफ तो वो होगा ना बेटे जिसके पास क्लोरोफिल है। हाँ, तो ये ऑटोट्रॉफ तो हो नहीं सकता, ये एक बहुत बुरे पैरासाइट्स हैं जो हमारी बॉडी हमें कर लेते हैं सारे, हमारी सेल्स की ही सेलुलर, अपने पास तो कुछ भी नहीं है, दे आर असेलुलर, उनके पास सेलुलर मतलब सेल्स का जो भी चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ नहीं है, दे कांट डू एनीथिंग। जैसे ही वो सेल के अंदर जाते हैं वो सब कुछ उसका यूज करना शुरू कर देते हैं, उसे एनर्जी, उनके राइबोसोम सब खुद मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। जब वो खुद मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं तो जो होस्ट सेल है वो खुद डाई हो जाती है, इट इज यूजिंग द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, ओके बेटे। व्हाट अबाउट वायरस, एनी डाउट, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वायरस विच इज इन योर सिलेबस, एनी डाउट यू आर हैविंग यू कैन आस्क, ओके, देन ड्रॉ द डायग्राम, यू आर हैविंग द डायग्राम ऑफ द बैक्टीरियोफेज, लेट अस ड्रॉ इट नाउ।
still the students are coming. ये एक बैक्टीरिया फेज है जिसका ये हेड है, दिस इज हेड, और ये इनसाइड इसके है बेटे न्यूक्लियर कोर या न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियर टेबल साथ साथ करते रहो बेटे, न्यूक्लियर कोर, ठीक है। न्यूक्लियर कोर में सिर्फ इसका डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन कोर, जैसे हमने पहले बात की, ठीक है, सराउंडेड बाय प्रोटीन कोर, ओके। से कैप्सिड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैप्सिड, अब दिस इज पोलर एंड यू विल बी कैड, कॉलर के आगे हेलिकल सीज आएगी, वो बनाते जाओ आप। This is helical sheet. Is helical okay? मैम थोड़ा बोर्ड नीचे कर दो, ठीक है। ओके,
ठीक है। ओके लेबल इट, दीज आर टेल फाइबर, एंड इट इज अ बेस, हेक्सागोनल बेस प्लेट। यहां से फाइबर done, you have done, you can show your thumbs up. It's very difficult to read the chat, but we can bete board meri taraf se to clear aa raha hai, just check your connection. Under the base it is hexagonal base plate, जो हेक्सागोनल ब्लेस प्लेट है उसमें से तेल फाइबर्स निकल रहे हैं। आरएनए के नीचे सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट कैप्सिड, सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। चलो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप बताओ मुझे कहाँ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इज द टॉपिक टू डिस्कस नॉट टू राइट। हाँ जी रिदम वांट्स टू से यस रिदम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव एवरीवेयर लाइक अंडर द सॉइल एंड एयर वाटर और सॉइल, यस यस इन एनवायरनमेंट, कृतिका यस कृतिका, हाँ जी यस कृतिका यू कैन स्पीक बेटे। डॉट इनसाइड द एनिमल बॉडी, डेजर्ट यस यू आर राइट, बॉडीज यस ना एवरीवेयर। So they can stay in extreme positions like बहुत सारी गर्मी, hot springs और बहुत सारी ठंड, polar region में भी रह सकते हैं या नहीं? हाँ जी can anyone? Extreme environmental conditions में they can stay. How they can stay then? उनका जो cell है जैसे amoeba की cell खराब नहीं हो जाएगी इतनी ठंड में इतनी गर्मी में? अच्छा अगर रह सकते हैं तो वो दे कैन लिव अलोन और दे नीड देयर पार्टनर्स, दे नीड सम कॉलोनीज एंड ऑल, आपको क्या लगता है? वी हैव टू डिस्कस इट, मैम इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेल। हां इट डिपेंड अपॉन द सेल, दे कैन रिमेन अलोन और इन कॉलोनीज डिपेंडिंग। अच्छा अब ये बताओ, यू हैव टोल्ड मी दैट दे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन, तो दे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन लाइक पोलर रीजन या मार्शी दलदली होते हैं, जो मार्शी एरियाज होते हैं या पोलर रीजन, सब में रह सकते हैं बेटे? हां सो ओमली सेइंग यस, हां यस, सो हाउ दे विल स्टे देयर, मर नहीं जाएंगे वहां पे? हां ओमली दे कैन अडैप्ट टू देयर सराउंडिंग, हाउ दे विल अडैप्ट, व्हाट टाइप ऑफ अडैप्टेशन दे हैव, द टू आर ऑलरेडी हैव गिवन द आंसर, सो ओमली एंड तुराया, हां जी व्हाट टाइप ऑफ अडैप्टेशन दे हैव।
they have a hard outer covering called cyst. ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म के आसपास एक आउटर कवरिंग होती है जिसे वो सिस्ट कहा जाता है, जिसके कारण वो इन एनवायरनमेंट के साथ अटैच हो जाते हैं, अदरवाइज दे कैन स्टे एनीवेयर. ओके, एनीवेयर दे वांट टू स्टे, दे आर लिविंग विद इन अस, इन अवर हैंड्स, नाउ आई एम वॉकिंग, आईज, ईयर्स, एवरीवेयर, सॉइल, वाटर, वाटर यू हैव, यू आर हार्ड कवरिंग. सेल मेम्ब्रेन बेटी हार्ड कवरिंग नहीं है, सेल मेम्ब्रेन तो बहुत सॉफ्ट है, वो तो सेमी परमिएबल है, उसमें से तो चीजें आ जा सकती हैं. हार्ड कवरिंग जैसे हमने, आपको याद है हमने लार्वा में भी किया था, जब हमने सेल सेलुलोज, बेटे सेलुलोज सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है. वो जरूरी नहीं है, सॉरी सेल वॉल में प्रेजेंट है, जरूरी नहीं है सबके पास सेल वॉल हो. आपने किया भी था बेटे, सिस्ट होती है सेल लार्वा के अराउंड भी जेली लाइक, वो जब एग्स ले किए थे तो ये जेली लाइक मास था कि उनको किल ना हो जाए. हाँ, सिस्ट बेटे, सिस्ट, सी वाई एस टी, सिस्ट हार्ड कवरिंग एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए हेल्प करती है, दैट इज अ सिस्ट. ठीक है, अब आ जाओगी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी हैं, द टॉपिक वाइज टॉपिक तो हमने पढ़ना ही है, हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लें. देखो हम दही खाते हैं, है ना, तो ये प्रोबायोटिक मानी जाती है, हमारे गट के लिए अच्छी है क्योंकि इसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है. इवन जो आजकल योगर्ट आता है, याकूर्ट आता है ना छोटी सी बॉटल में, वो भी प्रोबायोटिक है, उसमें अच्छे गट इंस्टेंट वो You have seen in the ad itself, वो ऐड देते हैं कि इंटेस्टाइन के लिए अच्छी बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइन के लिए आपकी, एंड वेन शी इज डूइंग योगा एंड ऑल, तब यही आप देखते हो, इट हैज अ गुड बैक्टीरिया. ठीक है, isn't it or not? तो वैसे हमारी जो कर्ड हुई, यूज़ से मम्मा कहते हैं कर्ड खाओ, अच्छा आपकी गट रहेगा अच्छी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा. यस, तो हमें तभी बोला जाता है, या कुछ मार्केट में वो छोटी छोटी बॉटल्स, हैव यू सीन समवेयर? हाँ, तो उनमें भी अच्छे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं. हाँ, एक ने लिखा बेकरी प्रोडक्ट, यस कहती बेकरी प्रोडक्ट्स में यीस्ट जो होता है, तो बेकरी प्रोडक्ट्स में उसको फ्लफीनेस कॉज करने के लिए यूज होता है, क्योंकि जब उसकी फर्मेंटेशन एनरोबिक कंडीशन में होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. हाँ, इडली इफली है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो जिसके कारण उसमें फ्लफीनेस आ जाती है, एफर्वेसेंस होती है. तो ये एनरोबिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं, ये एनरोबिक कंडीशन होती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होता. हाँ, डोसा में भी होता है, ढोकला में भी होता है, यू आर राइट. ठीक है, इलावा बेटे मेडिसिनल यूज, पेंसिलियम जैसे एक एंटीबायोटिक है जो मेडिसिन में भी यूज होती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी मेडिसिन इंडस्ट्री को भी आगे लेके जाते हैं. ठीक है, तो मतलब फ्रेंड भी है हमारे, कहीं कहीं फ्रेंड भी है, एंड दे आर एनिमीज टू, दोनों ही चीजें हैं. तो लेट अस डू वन बाय वन. तो फर्स्ट इज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेकिंग ऑफ फूड. इन फूड like you have given the example to me of yeast, okay, this you have given the example, and I have given you the example of lactobacillus, okay, which is present in the curd. Let us talk about lactobacillus first. ठीक है,
अब जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। वो कैसे कर्ड में हेल्प करता है, वो मिल्क के अंदर प्रोटीन होती है बेटे केसिन, जिसको कोगुलेट करने में हेल्प करता है, जिसके इकट्ठी कोगुलेशन हो जाती है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, ओके। होता क्या एक्चुअली, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, वो मिल्क को एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। वो इस मिल्क को एसिडिक एनवायरनमेंट जब प्रोवाइड करता है तो ये जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। कर्ड में क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि जो मिल्क में प्रोटीन है केसीन, वो कोगुलेट होना शुरू हो जाती है, दैट विल अंडरगो कोगुलेशन, वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। अभी इसको एसिडिक एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करता है, ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट ऐसे प्रोवाइड करता है कि ये जो मिल्क है उसमें जो शुगर प्रेजेंट है बेटे, दैट इज लैक्टोज, दैट इज लैक्टोज, ठीक है। उसको ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, इसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड में। अब ये जो लैक्टिक एसिड बनता है बेटे, इसके कारण मिल्क के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाती है। जब ये एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाती है तो यू विल बी गेटिंग, आपकी जो प्रोटीन है वो कोगुलेट हो जाती है। तो हमने क्या सीखा, क्या होता है, देखो प्रिसाइज में करती हूँ बेटे, देखो वार्म मिल्क है, ओके, इसमें आपने थोड़ी सी कर्ड डाली, कर्ड में एसिड पहले ही है। अब इसमें जो लैक्टोज है वो लैक्टोबैसिलस की प्रेजेंस में ये चेंज होगा लैक्टिक एसिड में, ठीक है। अब इस लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में जो केसिन प्रोटीन है वो कोगुलेट हो जाती है, मतलब उसके लम्स बनने शुरू हो जाते हैं और हमें दही मिल जाती है, ठीक है, हमें दही मिल जाती है। तो हमारा होता क्या, हम वार्म मिल्क में जब हम थोड़ी सी दही डालते हैं वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं और वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज करते हैं। जब वो लैक्टिक एसिड एसिडिक एनवायरनमेंट मिल जाता है उसको, तो जो प्रोटीन केसिन है वो कोगुलेट होना शुरू हो जाती है और हमें क्या मिल जाती है, हमारी कर्ड, ठीक है, समझ आ गई, ओके, एंड देन वी विल कंटिन्यू टुमारो देन, ओके।